दिस इज द सनसेट टाइम और व्यू हमारे रूम से कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा। दिस इज इवनिंग व्यू है ना? या काइंड ऑफ इवनिंग, यस। अभी नाइट वाला मस्त होगा, स्पेशली यहाँ पहाड़ है ना, वहाँ से सनराइज होगा सुबह। हाँ, सनराइज भी अच्छा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए कि कैसा है, एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसा है यहाँ पे। और मेरा आउटफिट ऑफ द डे इज पैरिस होटल का कैसीनो एरिया है। यहाँ पे ऐसे वेंडिंग मशीन्स, यहाँ पे कैसीनो वाली ऐसी मशीन्स हैं और यहाँ पे टेबल्स हैं। ये जो ऊपर का व्यू है वो पूरे ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड बने हुए हैं, लाइक वर्चुअल बाहर आ तो चुकी है। सो बहुत ही सही है, कुछ ऐसी मशीन्स हैं यहाँ पे भी। ऐसे पूरा बहुत बड़ा कैसीनो है इसको, ये पूरा ऐसा फैला सब जगह उधर उधर एंड तक। और ये है पेरिस का जो आईफिल टावर बना हुआ है उसका प्लेस, ये यहाँ पे है। हाँ, सो इसका एक एरिया ये है और एक वो है, और वो पूरा ऊपर बना हुआ है ऐसा लग ही है। यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे। हम लोग पेरिस कभी गए नहीं तो हमें नहीं पता वहाँ का व्यू कैसा है, बट हाँ ऐसा ही रहेगा। जब जाएंगे तो इससे रिलेट कर पाएंगे। पेरिस हम गए, हाँ मतलब हॉल्ट के लिए गए ना, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले। वाह, ये थोड़ा और आगे का एरिया है ना, आगे यहाँ पे शॉप्स हैं एक्चुअली, रेस्टोरेंट्स वगैरह वहीं पे। हाँ ये अंदर ही सिटी बना दी पूरा ना, लग ही नहीं रहा है ना ऐसे कहीं आए हैं हम लोग बाहर। बाहर मतलब ऐसे होटल में अंदर ही घूम रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे कहीं ऐसे घूम रहे हैं ऐसा। तो ये है यहाँ का लिंक, क्या बोलते हैं इसको, हाई रोलर कुछ बोलते हैं ना, हाई स्पीड रोलर कोस्टर, नो स्पीड हाई रोलर कोस्टर कुछ तो बोलते हैं ऐसा कुछ है। तो इट्स केबिन बहुत धीरे 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 चलता है, ये हाफ एन आवर में पूरा चक्कर लेता है या ऐसा चार चक्कर लेता है, हाफ एन आवर का एक पूरा वो रहता है ट्रिप। सो हम लोग इसमें जाएंगे, अभी जाएंगे देखते हैं। हाईलैंड रोलर बंदी है, वो अपने बच्चे को ऐसे स्ट्रिंग में ऐसे पट्टे से बांध के लेके जा रही है। वियर्ड, पहली बार देखा मैंने ऐसा। सो दिस इज पेरिस होटल का रेस्टोरेंट, लाइक पैटी हुआ है आई थिंक, अंदर पूरा रहेगा और ये ऐसा कुछ है। और बाकी ऐसा है, सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द पेरिस होटल, और इसके यहाँ पे ऐसा बना हुआ है ये। बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं सारे, और यहाँ पे है आईफिल टावर। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही कम चलने के लिए मिलता है लोगों को, तो अभी खुलेगा ये, खुला खुला चलो। और वैसे नहीं तो बहुत कम, मतलब इंडिया जैसे नहीं, कूद जाओ भागते चले जाओ। हाई हिल्स में यहाँ पे कोई नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना बहुत चलना पड़ता है ना, और स्लीपर्स पहन के आते हैं लोग तो कहीं। दिस इज बालाजी'स फाउंडेशन।
यहाँ पे जो कोई भी आए तो ये व्यू भी ले सकता है। ये बसेस रुके हैं यहाँ पे, इसमें हाँ टूर करवाते हैं, पूरा स्ट्रिप का टूर करवाते हैं ये लोग। सो अच्छा ऑप्शन है, पूरा दिखेगा सब, नीचे खाली रह जाओ पर पूरा भरा। मिक्की माउस बने मिक्की माउस एंड मिनी माउस। और यहाँ पे स्टारबक्स है, सो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर भीड़ नहीं होगी तो हम लोग कॉफ़ी लेंगे। स्टारबक्स का एंट्रेंस, वाओ सो फैसिनेटिंग। चलिए यार स्टारबक्स आने, बहुत ही प्यारे होटल में अंदर। और यहाँ पे हम हमारा रेगुलर लेने वाले हैं, इज कैरमल रिबन क्रंच फ्रैपचिनो। तो ये हमारा रिबन क्रंच तैयार हो रहा है यहाँ पे, रिबन क्रंचेस डाल दिया है। वाओ ये पूरा सब बर्ड्स, पूरा बटरफ्लाई, पूरे बटरफ्लाईज यहाँ पे, बटरफ्लाईज लगे हुआ है। दिस इज गुची सीजर्स पैलेस, ओके यहाँ से। एंड ये पूरा वाओ लुई विटॉन, यहाँ सारे पूरे स्टोर्स हैं है ना। यहाँ पे पैरिस था, सॉरी ये गुची है। ये प्राडा है, ये डियोर शनेल, बापरे तो सारे अच्छे खासे वाले ब्रांड्स हैं, हाई एंड ब्रांड्स स्टोर हैं यहाँ पे सारे। शनेल भी है, डियोर भी है, किसी ने पहले अपने नाम सही लिखा है। स्पागो क्या है ये, पब है शायद, बार 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 बनाजू का एलिवेटर सेक्शन है। मैंने ये पिया हुआ था इसी कारण मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है कॉफी के कारण, पर अच्छा है ना, कल मस्त लग रहा है। लाइफ में पहली बार ऐसा स्टोर देखा जिसमें इतनी सिस्टमैटिक सैंडल्स जमी हुई है, हील्स हैं सारी, और वो भी गिनी चुनी है, मतलब जैसे किसी के घर का वार्डरोब हो। वाओ ऑब्वियसली अच्छा ही होगा कुछ, सारा जैसे का पार्क, आई डोंट नो बट या नाइस। ये क्या सही जमाया हुआ है पूरे हील्स वहाँ पे। दिस इज बेलाजियो बैक साइड, हाँ ये आगे फाउंटेन शो। एंड ये है वाव, यहाँ पूल है ना, हाँ ये स्टोर कितना प्यारा बनाया है ना। बेलाजियो पेटिस्ट्री, पता नहीं कॉफी पेस्ट्री पेटिस्ट्री। अभी हम लोग जा रहे हैं कन्वेंशनल, ओह वाओ कन्वेंशनल उसके लिए डिस्प्ले के लिए, ये पूरा गार्डन डिस्प्ले है बेलाजियो का। This is the night view from our room.